फ्रेंड्स हमारे सोफा भी आ गए हैं अभी। सो फ्रेंड्स ये रहा हमारा ड्राइंग रूम का सोफा एल शेप। सो फ्रेंड्स ये हमारा सोफा कम बेड है दोनों। आज ऑलमोस्ट 70% शिफ्टिंग हो जाएगी, बाकी 30% रहेगी वही दिन हो जाएगी गाइस। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। सो गाइस अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं एंड मैं अभी जिम के लिए निकल रहा हूँ गाइस। सबसे पहले आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये देखिए गाइस, ये बिल्ली आराम से मजे कर रही है वहाँ पे टीना के ऊपर बैठ के, बिंदास अपने आप को निहार रही है। तो फ्रेंड्स अभी तो मैं तो चलता हूँ जिम के लिए एंड इसे अपना मजा लुटने देते हैं धूप का। One eternity later. So friends, मैं अभी जिम से आ चुका हूँ एंड अभी नाश्ता करने बैठ रहा हूँ। ये है हमारा नाश्ता, ओट्स खाएंगे, साथ में दही ले लिया है और इतनी ही देर में एक पैकेज आ गया था इसलिए मुझे उठ के जाना पड़ा। तो पहले नाश्ता करते फिर जाके देखेंगे पैकेज क्या है। सो फ्रेंड्स फाइनली नाश्ता करके इनफैक्ट ट्रायल से भी कॉल आया था तो उनसे बातचीत करके अभी फ्री हुआ हूँ एंड अभी अनबॉक्सिंग करने के लिए तैयार है गाइस। और यहाँ पे देखिए अनबॉक्सिंग अच्छे से चालू भी कर दिया, इससे सबर ही नहीं होता। मैं सब बोल रहा हूँ कब से रुक जा, ये बोलता नहीं मैं तो करके रहूँगा और ये मेरी बाइक की चाबी खराब करेगा लगता है। गाइस देखते हैं क्या है, मुझे तो लग रहा है ये बीन बैग जो मैंने मंगाया था वो है, क्योंकि इतना बड़ा साइज का तो ऑब्वियसली बीन बैग ही हो सकता है। एंड ये बीन बैग्स का मुड़ा होगा शायद, नहीं ये डस्टबिन है ना। ओके गाइस मैंने डस्टबिन मंगवाया था दो वही है, डस्टबिन है वो भी एक, मैंने दो ऑर्डर किए थे लेकिन आया एक। ऑलराइट गाइस दूसरा खोलते हैं, दूसरा पहले बीन बैग खोलते हैं। हमारे पास तीन पैकेज है गाइस, एक वो, एक ये और एक ये बड़ा वाला, पता नहीं गाइस इसमें क्या है। भाई तू बीन बैग को मत फाड़ देना। इससे गाइस ये खोलना मुश्किल लग रहा है, मैंने दो दो बीन बैग अनबॉक्स कर दिए, इसे एक करने में प्रॉब्लम आ रही है, पैकेजिंग लग रहा है। गाइस बहाने मार रहे हैं, फाइनली गाइस ये खोल पा रहे किसी तरीके से जूझ कर। अखिल तेरे से बड़ा तो बीन बैग है। ऑलराइट ये रहा हमारा बीन बैग और ये उसका मुंडा, रख दे इसमें गाइस बीन्स पहले से भरी हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है हाथी बैठना चालू हो गया इसका, जलवा है हमारा। कैसा है? बढ़िया है ये वाला, चला ज्यादा बढ़िया है ये, बहुत बढ़िया है। तीनों से तीनों के बीच में पैर रखने का भी जगह है टाइम इसमें, मैंने ही मंगाया भाई। सो फ्रेंड्स अब हम बैठ के देखते हैं। ऑलराइट गाइस मज़ेदार तो है वैसे, अच्छा लग रहा है बैठ के। तो ये तो मैंने अच्छी बाई कर ली और ये 4XL है गाइस, तो ये सबसे बड़ा है। अभी तीसरे वाले को खोलते हैं। अब ये तीसरे वाले में क्या है मैं बताता हूँ, ये है साउंड प्रूफ चीजें जो हम वॉल पे लगाएंगे ताकि साउंड बच पाए। हमारे सेटअप वाले रूम में गाइस हम ये लगाएंगे और हमारे साथ विक्की भी है अभी। सो ये गाइस हम सेटअप वाले रूम में लगाएंगे, वहां पे साउंड प्रूफिंग कहीं करनी हो, इको ना हो तो हम इसे लगाएंगे। ये दो कलर में मैंने मंगवाए हैं, रेड एंड ब्लैक गाइस। ऑलराइट फ्रेंड्स सारी अनबॉक्सिंग तो हो गई है लेकिन एक छोटी सी इशू है कि जो हमारा डस्टबिन है, ये जो हमारा डस्टबिन है ये काफ़ी छोटा है गाइस। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना छोटा होगा, फोटो में थोड़ा बड़ा लग रहा था, मैंने प्रॉपर साइज इसका चेक नहीं किया था और ये बंद भी ना अच्छे से नहीं होता है। ये देखिए इसको खोल लिया, ये ऊपर आ जाता है, अभी से अंदर घुसेंगे तब जाके बंद होगा, तो ये थोड़ी प्रॉब्लमेटिक रहती है क्योंकि कोई भी बार बार इसे बंद नहीं करेगा, तो ये एक अनएक्सपेक्टेड था इसलिए मैं इसे रिटर्न में लगा रहा हूँ गाइस। सो फ्रेंड्स अब हम एक और काम करने वाले हैं, वो क्या है मैं बताता हूँ अभी आपको। हम इस बीन बैग को खोल के इसमें और बीन्स डालने वाले हैं क्योंकि इसमें थोड़ी कम पड़ गई है। सो फ्रेंड्स अभी मैं बीन्स भरने वाला हूं, जितने भी बीन्स सारे डाल देते हैं फिर देखते हैं कैसा लगता है। तो फ्रेंड्स फाइनली बीन्स तो काफी ज्यादा भर दी अभी इसमें, अब बैठ के देखते हैं। सो थोड़ा तो फर्क पड़ रहा है गाइस, और थोड़ी बीन्स बची हुई है उसे बाद में डाल देंगे अगर जरूरत पड़ी तो, निकालने में बहुत दिक्कत आती है, अभी तो ठीक लग रहा है इसी में बैठते हैं मजा करते हैं राइट। सो फ्रेंड्स हमारे सोफा भी आ गए हैं अभी, यहाँ। सो फ्रेंड्स ये रहा हमारा ड्राइंग रूम का सोफा एल शेप, वैसा ही है जो जैसा उधर है बस कलर अलग है। सो फ्रेंड्स ये हमारा सोफा कम बेड है दोनों, एक यहाँ लगेगा और एक उस रूम में लगेगा। फ्रेंड्स खोलने के बाद ही कुछ ही ऐसा दिखाई देगा, ये हमारा सोफा कम बेड कैसा लग रहा है। सो फ्रेंड्स अंदर वाला देखते हैं, क्योंकि ऐसे ये सोफा कम बेड है ऐसे बेड बन जाएगा, ये ये ऐसे दीवान बन जाएगा इस हमारा। हाँ, इसको सिंगल चार करेंगे तो ये सिंगल हो जाएगा। हाँ ये सोफा हो गया।
नहीं ये नहीं, नहीं ये ऐसे और ये वाला ऐसे। ओ ये लफड़ा है इसमें, लफड़ा कुछ नहीं। सो फ्रेंड्स फाइनली हमारा सेटअप ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहा है, ये देखिए गाइज। तो ये है हमारा सोफा लेकिन अभी भी धूप के चक्कर में पूरा प्रॉपर्ली नहीं दिख रहा, अब शायद आपको दिख रहा होगा। तो अब ओवरऑल सेटअप देखिए गाइज, यहाँ पे दो बीन बैग आ गए, यहाँ हमारी टेबल चेयर आ जाएगी, एक और चेयर आएंगी, यहाँ पे हमारा ये पूरा शेप्स हो गए, कारपेट हो गया, लुकिंग फाइन आई सपोज। कॉमेंट्स करके बताइएगा गाइज कैसा लग रहा है हमारा सेटअप वाला रूम। और गाइज ये रहा दूसरा सोफा, अगर ये वहाँ पे पसंद आएगा सबसे पूछ लेंगे तो इसे वहाँ लगा देंगे, देख लेंगे, बात कर लेंगे। ये ब्लूइश कलर है गाइज, आई थिंक इसे अगर हम वहाँ रखेंगे शायद ठीक लगेगा, क्योंकि वो वहाँ पे बहुत धूप आती है तो रिफ्लेक्ट करे, जो भी हो देखते हैं गाइज, सबसे पूछ के करेंगे। तो अभी तो फिलहाल ऐसे ही रहने देते हैं। और ये गाइज सोफा कम बेड है, आपने देखा कैसे उसको खोल दिया गया था, तो इस तरीके से लगाया गया है ताकि स्पेस भी बच जाए और हमारा सोने का काम भी हो जाए, राइट। तो फाइनली गाइज सेटअप तैयार हो रहा है, ये मतलब बहुत टाइम पहले सोचा था एंड अब जाके थोड़ा बहुत फुलफिल हो रहा है ये सारी चीज़ें। जब सारा कुछ हो जाएगा और चेयरें आ जाएंगी, इन सबको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज वे में सेटअप कर दिया जाए तब ज़्यादा मज़ा आएगा। अभी तो हालांकि खाली रख दिया गया है, अभी एक टेबल आना बाकी है और आने दीजिएगा, मज़ा आने वाला है। सो फ्रेंड्स अभी है खाना खाने की बारी, सेकेंड मील लेते हैं गाइस फटाफट। और आज सेकेंड मील में हमारे पास राइस और उसके साथ है मिक्स सब्जी जो कि बॉइल्ड वाली है गाइस, तो ये दोनों खाते हैं फटाफट। और आज अभी बहुत सारे काम बाकी हैं क्योंकि अभी सारा सामान वहां से शिफ्ट कर रहे हैं, तो सब कुछ चलता रहेगा तो उसमें लगना है गाइस, एंड उसके लिए एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी के लिए थोड़ा फटाफट खाना खा लेते हैं। ये देखिए गाइस निखिल भैया पहली बार कुछ सामान उठा रहे हैं। सो फ्रेंड्स अभी सब कामों में लगे हुए हैं, यहाँ हमारे सुल्तान भाई सोफा वोफा बना के एकदम रेडी करके ला चुके हैं और अभी शाम भी रहे हैं सारा कुछ, पर्दे वर्दे भी गाइस इन्होंने सारे रेडी कर दिए हमारे घर के, थैंक्स टू यू। हमारे कोई भी काम होता है ना तो हम इनको बोल देते हैं फटाक से करके ला देते हैं, ही इज लाइक ए फैमिली मेंबर टू अस। एंड फ्रेंड्स बाकी सब भी अभी जिचाने में लगे हैं, यहाँ चाची इस रूम में है कहीं ना कहीं और दादी यहाँ बैठी हुई है, जैसे ही जीत जाएगा आज उसी में जा रहा है पूरा दिन, तो जैसे ही जीत जाएगा फिर सब सेटल अप हो जाएगा, यहाँ पे पूरी तरह शिफ्टिंग हो जाएगा। आज ऑलमोस्ट 70% शिफ्टिंग हो जाएगी, बाकी 30% रहेगी वो एक दो दिन में हो जाएगी गाइस, तो एक दो दिन में ऑलमोस्ट फुल शिफ्टिंग हो रही है। तो गाइस फिलहाल दादी लोग अभी खाना खाने के लिए बैठ चुके हैं, बेचारे टायर्ड हो चुके हैं सुबह से करके। कैसा लग रहा है दादी दोनों को? अच्छा लग रहा है। हाँ अच्छा लग रहा है। कैसा लगा घर? ये सामान सोचे सामान जाएगा, सामान जाएगा, सामान आ गया। फाइनली गाइस सामान शिफ्ट हो चुका है एंड बेचारे दोनों के दोनों टायर्ड हो चुके हैं काफी, बट एनीवेज अभी ये लोग खाना वाना खा के रेस्ट कर लेंगे तो ठीक हो जाएंगे। एंड गाइस यहाँ पे खाने की तैयारी हो रही है जो मम्मी कर रही है, रोटी वोटी बना के अभी हम दादी को खिलाएंगे गाइस। तो फ्रेंड्स अभी तो फिलहाल सब लोग देख रहे हैं आप कितने बिजी हैं। A few moments later. So guys, रात के 11 बजने वाले हैं एंड मैं अभी मूंगफली खाने बैठा था और एडिटिंग करने बैठ रहा हूँ, बैठ चुका था इनफेक्ट कर ही रहा था इतनी देर से गाइस। एंड गाइस आपने बीन बैग में बैठ के आराम से एडिटिंग कर रहा हूँ, हालांकि वहां जाके करना था बट वहां अभी सारा मैच डाप होकर रखा, सब लोग काम में लगे थे। अभी दादी लोग गई हैं, दोनों दादी इधर सो रही हैं आराम से गाइस, बहुत थक गई थी वो लोग तो मैंने उनको सुला दिया बढ़िया से, खाना वाना भी उन्होंने खा लिया है एंड बाकी सबको दिक्कत है गाइस क्या कर रहे हैं। चलिए सबसे पहले गाइस मम्मी पूरा किचन विचन सांभ रही है एकदम, बेचारी लगी हुई है सुबह से। और राइट फ्रेंड्स देखिए पूरा मेस्ड अप होके रखा है अभी फिलहाल घर, और ये लोग सारे लगे हुए हैं लगाने में सामान भयंकर वाले ये देखिए गाइस क्या कर रहे हैं लोग, ये लोग बेड को सरका रहे हैं। अच्छा ये कांची पहलवान बेड को सरकाएगा। अच्छा अच्छा मेरी जरूरत है क्या? अलमारी यहाँ पे मैंने ही रखी है गाइस, अभी देखिए अभी पैडिंग लगा रहे हैं गाइस यहाँ पे, और इसे भी सरका के यहाँ रख दिया गाइस फटाफट। ये देखो गाइस क्या बोलते हैं, अखिल अलमारी कौन उठा के लेके आया गाइस देखिए, ऑब्वियसली सारा अलमारी हमें उठा के लेके पापा बेड को सरकाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत हेवी है जिसमें सारा सामान डाल दिया है, गजब बेइज्जती है। थोड़ा सा ओए इसको
चाचा ज्यादा सरका दिया, अब इधर सरका ना पड़े। तो फ्रेंड्स बड़ी मस्ती वाला काम चल रहा है, मजा आ रहा है बहुत करिए, तो फटाफट करते हैं। तो फ्रेंड्स अभी इसे फिर सरकाएंगे और यहाँ पे एक लगा दी गई है अलमारी और इन बिचारों से सरक नहीं रही है। क्या बात, मेरी जरूरत है क्या? इतनी खुशी, इतनी खुशी मुझे आज तक। वाह निखिल वाह। सो फ्रेंड्स फाइनली इस रूम का सेटअप ऑलमोस्ट हो गया है। यहाँ हमने अलमारी लगा दी है गाइस, यहाँ भी अलमारी लगा दी है और यहाँ ये टेबल डाल दी है। सो फ्रेंड्स अभी रात के 12:30 बजने वाले हैं एंड मैं अभी एडिटिंग ही कर रहा था गाइस, वहाँ पे सारा सेटअप करने में बहुत टाइम लग गया, ऑलमोस्ट एक डेढ़ घंटा लग गया गाइस। तो चाचा का रूम और दादी वाला रूम जो पहले सेटअप कर रहे थे वो दोनों ऑलमोस्ट सेटअप हो चुके हैं, थोड़ा बहुत सामान बाकी है वो धीरे धीरे लगता रहेगा। मेरा वाला रूम तो पहले से ही सारा सामान डाल चुके थे, मेन कोर सेटअप जो है अलमारी लगाना वगैरह जो चीज़ों को प्लेस करना है वो ऑलमोस्ट हो चुका है गाइस। अगर थोड़ी बहुत शिफ्टिंग करनी होगी तो कर लेंगे, लेकिन गाइस सारा काम हो गया है एंड फाइनली मैं एडिटिंग करने बैठ चुका था दोबारा से एंड एडिटिंग अभी कंप्लीट होने वाली है गाइस। ये देखिए गाइस अभी टाइम 12:30 होने वाले हैं एंड हमारा एडिटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहा है गाइस। तो इसी के साथ गाइस आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, हमारी शिफ्टिंग विफ्टिंग देखे कैसे होती है क्या है। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई गाइस तो लाइक दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो डेफिनेटली कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जितने भी है गाइस, शेयर कीजिए, चाहिए मुझे शेयरिंग आप लोगों से प्लीज़। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, आप लोगों का जो समय है वो बहुत कीमती है, आप हमें दे रहे हैं बहुत अच्छी बात है, थैंक यू गाइस। सो इसी के साथ आप नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बने रहिए गाइस, कीप वॉचिंग, बाय। तो एनीवेज गाइस अभी तो बहुत केओस मिल जाएगा, तो अभी फिलहाल मैं फटाफट काम करता हूँ एंड एडिटिंग में दोबारा बैठता हूँ गाइस, एडिटिंग कंप्लीट भी करने वाला मेरे तो एक दो बज जाएंगे गाइस। एनीवेज जो भी हो एक दो बजे तो भी ना बजे, एक दो बजे तो भी चलेगा गाइस, आप लोगों के लिए सब हाजिर है। हाजिर ये देखिए बैकग्राउंड म्यूजिक देने वाला बंदा।